भारतीय बाजारों में अगर आज भी देखें तो एक अच्छा कंसोलिडेशन नजर आ रहा है। जैसे कि हम बात कर रहे थे पिछले दो दिन से, एक अच्छा कंसोलिडेशन आने वाले दिनों में भी देखा जा सकता है, जो कि ऊपर में 10,950 से 11,000 का लेवल आने वाले एक से दो दिन में आपको देखने को मिल सकते हैं। पर चूंकि एक कंसोलिडेशन हो रहा है, हमें लग रहा है कि बैंकिंग स्टॉक्स में अच्छा ट्रैक्शन नजर आ रहा है। अगर बैंकिंग स्टॉक्स में देखें, जैसे कल की जो लीडरशिप थी वो ICICI बैंक और एक्सिस बैंक ने लेके रखी थी, पर आज जो लीडरशिप आ रही है वो HDFC बैंक की तरफ से आ रही है। तो हमें लग रहा है बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक्स जो है वो आने वाले दिनों में काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। अगर किसी को बैंकिंग के अलावा बाय करना है तो हमें लग रहा है IT स्टॉक्स एक नेक्स्ट लीडर हो सकते हैं। और IT स्टॉक्स में देखें, बारिंग इंफोसिस काफी अदर जो दूसरे स्टॉक हैं वो काफी अच्छे लेवल पे मिल रहे हैं, चाकी हो जाए, टेक महिंद्रा हो जाए, SCL टेक हो जाए, ये दोनों स्टॉक्स आने वाले दिनों में एक अच्छा और परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो हमें लग रहा है IT और बैंकिंग स्टॉक्स, ये दोनों ही सेक्टर्स आने वाले दिनों में एक स्ट्रॉन्ग और परफॉर्मर रह सकते हैं। अगर दूसरे सेक्टर की बात करें तो मेटल्स हमें काफी वीक नजर आ रहे हैं, तो आने वाले दिनों में अगर चाइनीज डेटा खराब आते हैं तो मेटल स्टॉक्स में अंडर परफॉर्मेंस रह सकता है। और जहां लेवल्स की बात करें तो 10,900 और 10,850 नीचे में निफ्टी में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरफ नजर आ रहा है, और ऊपर में अगर देखें 10,980 से 11,000 लेवल एक अच्छा रेजिस्टेंस की तरफ काम कर रहा है। और बैंक निफ्टी की बात करें तो 27,400 से 27,350 एक बेस्ट लेवल होगा बैंक निफ्टी को बाय करने के लिए, और ऊपर में अगर देखें तो 27,650 से 27,700 ये एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। तो दोनों ही निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें बाय ऑन डिप्स की सलाह दे रहे हैं, और ऊपरी लेवल पे हम प्रॉफिट बुकिंग करने की ही राय देंगे।